लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय लोक दल भी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए रालोद ने अपने समरसता अभियान का भी तेज कर दिया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं रालोद का प्रभाव पश्चिमी यूपी में काफी माना जाता है और इसी वजह से खुद रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह का भी फोकस पश्चिमी यूपी की सीटों पर है, जिसमें सबसे अधिक फोकस बागपत सीट पर है, क्योंकि बागपत सीट पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के परिवार का कब्जा रहा। हालांकि पिछले दो चुनाव के रिजल्ट को देखें तो इस सीट पर बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय लोक दल भी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए रालोद ने अपने समरसता अभियान का भी तेज कर दिया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं रालोद का प्रभाव पश्चिमी यूपी में काफी माना जाता है और इसी वजह से खुद रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह का भी फोकस पश्चिमी यूपी की सीटों पर है, जिसमें सबसे अधिक फोकस बागपत सीट पर है, क्योंकि बागपत सीट पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के परिवार का कब्जा रहा। हालांकि पिछले दो चुनाव के रिजल्ट को देखें तो इस सीट पर बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने जीत दर्ज की है।